आबकारी विभाग के एक आदेश ने बवाल मचा दिया है। आक्रोशी शराब कारोबारियों ने वित्त भवन पहुंचकर आबकारी आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित का घेराव किया। दरअसल आबकारी विभाग के ही नियमानुसार अभी तक नीलामी में जिस दिन दुकान उठती है उसकी गारंटी उसी दिन मानी जाती है। इसी आधार पर 28 अप्रैल की नीलामी में कुछ कारोबारियों ने नीलामी में दुकान उठाई और आज से शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अचानक आज आबकारी विभाग के पोर्टल पर नया आदेश देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। पोर्टल पर पुराने आदेश हटाते हुए विभाग ने नए आदेश अपलोड किए, जिनमें साफ तौर पर लिखा था कि दुकान भले ही 28 अप्रैल को उठाई गई हो, लेकिन गारंटी पूरे महीने यानी 1 अप्रैल से ही लगेगी। ठेकेदारों का आरोप है कि विभाग मनमानी कर रहा है। अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब विभाग वसूली पर उतर आया है। आबकारी आयुक्त ने भी आदेश बदलने को लेकर साफ मना कर दिया। इसके बाद ठेकेदारों ने आयुक्त से कहा कि आदेश नहीं बदल सकते तो 28 अप्रैल को उठी दुकानों को वापस सरेंडर करने की अनुमति दे। आज हम इसलिए मिले हैं सारे ठेकेदार है, आज हमें पता लगा कि अभी जो जिस तारीख को ठेका उठा है, पहले हमने ये मान रखा था कि अभी जिस तारीख को ठेका उठा है उस तारीख से हमारी गारंटी पूर्ति मानी जाएगी। हमने अधिकारियों से भी पूछा, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन सबसे पूछा, उन्होंने पोर्टल में डाल भी रखा था पहले, जो 8 तारीख को, 12 तारीख को, 11 तारीख को ठेके उठे हैं उनको हमने 11 दिन का माफ़ किया है, 8 वाले को 7 दिन का माफ़ किया है, कल जो 28 तारीख को ठेके उठे हैं उनकी हमारी ये बात थी कि अभी 3 दिन की गारंटी ली जाएगी। आज पोर्टल के ऊपर इन्होंने चेंज करके पूरा अप्रैल महीने से आज तक की गारंटी पूर्ति मान ली, जबकि हमने ठेके चलाए हैं, किसी में 10 दिन चलाए हैं, किसी में 20 दिन चलाए हैं, किसी में 3 दिन चलेगा। अब जो 4-4 करोड़ के, 5-5 करोड़ के ठेके हैं उनकी उनकी जो है 1 महीने की गारंटी, हमने ठेका चलाया नहीं और 40-40 लाख रुपये महीने की गारंटी है, वो हम कहाँ से अदा करेंगे। आज हम जो आबकारी आयुक्त साहब से मिले हैं उसमें हमारी यही समस्या थी कि जो भी दुकानें 28 तारीख को उठी है या 10-12 तारीख को जब भी उठी है उसकी गारंटी इन्होंने 1 अप्रैल से ही मान रहे हैं। पहले के वर्षों में ये होता था कि जो भी जब जिस दिन भी आपको सैंक्शन लेटर मिलता था उसी दिन से आपकी गारंटी मानी जाती थी, मगर अब इन्होंने ये चीज़ कर दी और इस चीज़ के लिए हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तो इसके लिए हमने अभी आबकारी आयुक्त महोदय से मिले। इन्होंने कहा है आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए और हम आगे ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे।